29 नवंबर से राजधानी देहरादून में विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर सियासत भी गर्मा रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बेरोजगारी, पलायन, कानून व्यवस्था और प्रदेश की आर्थिक स्थिति जैसे मसले को लेकर अब कांग्रेस पार्टी सरकार को सदन और सड़क पर घेरने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता शिषपाल सिंह का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है कि किस तरह से सरकार को सदन और सड़क पर घेरने का काम करेगी। उनका कहना है कि जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, ऐसे में सरकार को कांग्रेस पार्टी सदन और सड़क बाहर घेरने के लिए रणनीति बना रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार जनहित के जो भी मुद्दे हैं, मैं पहले कह चुका हूं, चाहे बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड में बीआईपी का नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, बेटी को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पूरे मामले में सदन के अंदर कांग्रेस पार्टी सवाल उठाएगी और बेरोजगारों की जो नौकरियां बेची गई हैं, इस मामले को प्रमुखता से कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर उठाएगी। केदार भंडारी हत्याकांड में जिस तरीके से आपने देखा कि लिपापोती करने की कोशिश की और न्यायालय के आदेश के बाद दोषियों पर मुकदमे दर्ज किए गए, और आप देखिए कि जिस तरह से अग्निवीर भर्ती के मामले में बेरोजगार नौजवान ने आत्महत्या की, 100 नंबर फिजिकल में आने के बाद भी और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होने के बाद भी राज्य में कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है, तो सदन के अंदर कांग्रेस पार्टी सभी मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी और जनता के सवालों पर सड़क पर भी संघर्ष करती हुई दिखाई देगी। देहरादून से विनय सूद, टीम एन भारत।